अब फ्रेंड्स हम डेफिनेशन देखते हैं स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज कॉल्ड स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। इफ ए बराबर जो उसका ट्रांजुगेट मैट्रिक्स आए उसका उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें वो मैट्रिक्स हो, यानी ए बराबर माइनस ऑफ ए थीटा भी इसको बोल सकते हैं, या माइनस ऑफ ए बार का ट्रांसपोज। आई ई एवरी ए आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जे आई थ एलिमेंट। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स होगा। यानी कि हम इसको ऊपर के एग्जांपल में देखें तो इसके जैसे सी प्लस सी माइनस आयोटा डी, यानी ए आई टू है, ए आई टू है, इसको हमें स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स चेक करना है। तो स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स के लिए इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? सी प्लस आयोटा डी, और अगर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो, यानी इस टर्म में माइनस का मल्टीप्लाई हो पूरी टर्म में, तो उस कंडीशन में ये मैट्रिक्स जो हो जाएगा स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। नोट जो है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स इज आइदर प्योरली इमेजिनरी और जीरो। फ्रेंड्स जो स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स होगा उसका जो डायगोनल एलिमेंट यानी ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री डॉट डॉट ए एन एन तक के जो मेंबर्स होंगे वो या तो जीरो होंगे या प्योरली इमेजिनरी नंबर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसमें रियल और इमेजिनरी नंबर हो, या वो रियल हो। रियल होगा तो वो सिर्फ जीरो मेंबर होगा, जीरो के अलावा अगर कोई मेंबर है तो वो आयोटा होगा, यानी इमेजिनरी होगा। जीरो के अलावा और कुछ प्योर नहीं हो सकता, रियल नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये हमारे पास स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो जाती है।